Hello guys, in this video of code optimization part 3, we will discuss about live variable and how to find live variable at program point B. इस वीडियो में हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन के लाइव वेरिएबल को डिस्कस करेंगे. लाइव वेरिएबल क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं. जनरली लाइव वेरिएबल को हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन पाथ. जो भी वेरिएबल है वो किसी पाथ के बेसिस पे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, या हम कह सकते हैं पाथ बेस्ड स्पेसिफिकेशन. वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल भी इज लाइव एट ए प्रोग्राम पॉइंट पी. किसी प्रोग्राम के पॉइंट पी पर ही भी लाइव होगा इफ सम पाथ फ्रॉम पी टू प्रोग्राम एग्जिट. कोई ऐसा पाथ हो उस पॉइंट पी से एग्जिट तक जिसमें कंटेंट्स एंड आर वैल्यू राइट वैल्यू ऑकरेंस ऑफ वी विच इज नॉट प्रिसीडेड बाई एल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वैल्यू ऑकरेंस ऑफ वी. इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. सपोज कीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है के इक्वल टू ए प्लस बी एंड आर इक्वल टू के प्लस एम. सपोज यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं और ये किसी ब्लॉक का पार्ट है. यदि मल्टी स्टेटमेंट ब्लॉक है, ये मेरा कोई एक बेसिक ब्लॉक है, जैसा ऊपर प्रीवियस पार्ट टू में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक ब्लॉक कैसे बनाते. यदि किसी बेसिक ब्लॉक के अंदर दो असाइनमेंट हो इस तरह से, तो इस स्टेटमेंट में ए और बी रीड हो रहा है और के को हम राइट कर रहे हैं. ए और बी के वैल्यू को रीड कर रहे हैं और के में उसके सम को राइट कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि ए और बी रीड मोड में है और के हमारा राइट मोड में. इसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट में के और एम हमारा रीड मोड में है जबकि आर हमारा राइट मोड में है. तो वैसा वेरिएबल जो राइट साइड में यूज किया जाता है उसको आर वैल्यू कहेंगे या राइट वैल्यू कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम एल वैल्यू या लेफ्ट वैल्यू कहेंगे. इसे दूसरे ढंग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए और बी हमारा इस तरह से हो कि रीड मोड में हो और इधर हमारा राइट साइड में लेफ्ट साइड में राइट मोड में हो. तो ए और बी ये दो वेरिएबल जो राइट साइड में हैं वे लाइव कहलाएंगे इस पॉइंट पी पर. ये दोनों लाइव कहलाएंगे ए और बी जो रीड मोड में है. अब इस स्टेटमेंट में देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में तो K प्लस M दोनों ही रीड मोड में है, लेकिन K को जस्ट इसके प्रीवियस हमने राइट मोड में लिखा है. K को हम इसके जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट में राइट मोड में लिखा है, इसलिए K हमारा यहाँ पर लाइव नहीं होगा लेकिन M लाइव होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ए और बी जस्ट इसके पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, के पहले कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ए और बी डिफाइन किया गया हो. डिफाइन कहने का मतलब राइट. और यहाँ पर हम ए और बी को रीड कर रहे हैं और के को राइट कर रहे हैं, और इस के को हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, इसलिए इस जगह पर के हमारा लाइव नहीं होगा. तो जब भी ऐसा कोई वेरिएबल हो राइट साइड में जो सिर्फ रीड मोड में हो और उसमें से कोई भी वेरिएबल जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट में राइट मोड में ना हो, तो वो दोनों राइट वेरिएबल हमारा लाइव कहलाएगा. लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में के और एम में एम लाइव है, के मेरा लाइव नहीं है, क्योंकि जस्ट इस स्टेटमेंट के पहले के को हमने डिफाइन किया है या उसको हमने राइट किया है.
इसी का मीनिंग यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अ वेरिएबल वी इज लाइव एट अ प्रोग्राम पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर कोई वेरिएबल मेरा लाइव होगा, जैसे ए और बी मेरा लाइव होगा, इफ सम पाथ फ्रॉम पी, पी से इधर कोई भी एग्जिट कर रहा है पॉइंट, यहाँ हम इन कर रहे हैं और इस जगह से एग्जिट कर रहे हैं, तो ए इन से एग्जिट के बीच में ए और बी कहीं पर डिफाइन नहीं हो रहा है, कहीं राइट लेफ्ट साइड में नहीं आ रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं इफ सम पाथ फ्रॉम पी टू प्रोग्राम एग्जिट, प्रोग्राम एग्जिट कंटेंस एन आर वैल्यू, ए और बी हमारा आर वैल्यू है जिसको राइट वैल्यू भी कह सकते हैं, ऑकरेंस ऑफ डी विच इज नॉट प्रिसीडेड, जो कि इसके जस्ट पहले वाले में प्रिसीडेड बाय एन एल वैल्यू, ए और बी का कोई एल वैल्यू जस्ट इसके प्रीवियस पार्ट में नहीं हो, इसलिए ए और बी हमारा लाइव होगा। दूसरे स्टेटमेंट में एम लाइव होगा लेकिन के हमारा लाइव नहीं होगा, इसका मीनिंग यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया। अब इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम स्टार्ट किए और किसी तरह से किसी पॉइंट पी पर आ गए, पी से हमारा तीन पाथ निकल रहे हैं, एक पाथ लेफ्ट में है, दूसरा मिडिल है और तीसरा राइट साइड में है। इस जगह पर यदि हम वेरिएबल भी की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा राइट मोड में है, एल वैल्यू है इसका, आर वैल्यू नहीं है, इसलिए भी हमारा इस पाथ पर लाइव नहीं होगा, इस पॉइंट के लिए इस पाथ पर ये भी हमारा लाइव नहीं है, इसमें किसी वेरिएबल की ही बात नहीं किया तो कोई भी वेरिएबल हमारा लाइव नहीं है। इस जगह पर यदि हम बात करें तो भी हमारा लाइव है राइट पाथ में, इसलिए यहाँ पे लिख रहे वी इज लाइव एट पॉइंट पी ड्यू टू राइट पाथ, इस राइट पाथ की वजह से भी हमारा लाइव है इस स्ट्रक्चर में। दूसरे स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा पॉइंट पी से थ्री पाथ्स दिए हुए हैं जिसमें से लेफ्ट मिडिल और राइट है, लेफ्ट में अगेन हम भी को डिफाइन कर रहे हैं यानी राइट लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं जिसको कि राइट मोड कह सकते हैं एल वैल्यू, इसलिए यहाँ पर भी हमारा लाइव नहीं है, इस जगह पर भी ये लाइव नहीं है और मिडिल वाले पाथ पे तो कोई वेरिएबल ही डिफाइन नहीं है, इसलिए वी इज नॉट लाइव एट पॉइंट पी ड्यू टू द रीजन ऑफ एल वैल्यू, तो एल वैल्यू की वजह से इस तीन पाथ में से किसी भी पाथ पर भी हमारा लाइव नहीं होगा। एक और स्ट्रक्चर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पी पॉइंट दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड में किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया गया, मिडिल में भी डिफाइन नहीं किया गया और राइट साइड में वी इक्वल टू वी प्लस टू लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी हमारा रीड में है और राइट में, ये हमारा आर वैल्यू है, ये मेरा एल वैल्यू है, लेकिन डेफिनेशन कहता है कि यहाँ पर भी वेरिएबल लाइव होगा, क्यों, क्योंकि जस्ट इसके जस्ट पहले वी को हमने राइट मोड में नहीं लिखा है, ऑन द सेम स्टेटमेंट वी को राइट किया है, इसलिए ये हमारा भी यहाँ पर बाय डेफिनेशन लाइव कहलाएगा, तो वी इज लाइव एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस राइट पाथ, लेफ्ट और मिडिल पाथ में तो कोई वेरिएबल ही डिफाइंड नहीं है। इस तरह से हम अपने लाइव वेरिएबल को पता करते हैं। लाइव वेरिएबल कैन बी कंप्यूटेड एट स्टेटमेंट, एट बेसिक ब्लॉक, बिफोर स्टेटमेंट एंड आफ्टर स्टेटमेंट, दैट इज इट इज एट स्टेटमेंट। तो हम लाइव वेरिएबल को किसी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, किसी स्टेटमेंट पर भी निकाल सकते हैं, किसी ब्लॉक के इन और आउट पर भी निकाल सकते हैं। तो ये वेरिएबल को यहाँ चूंकि हमने बहुत सिंपल ग्राफ लिया है और सिंपल ग्राफ से किस वेरिएबल को लाइव कहेंगे ये हमने बताने की कोशिश की, लेकिन जब इसको हम किसी प्रोग्राम में देखेंगे तो वहाँ पर लाइव वेरिएबल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको निकालने के लिए हम कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब इस टेक्निक को क्या कहते हैं कि यदि किसी ब्लॉक लेवल पे हम लाइव वेरिएबल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस ब्लॉक
इस ब्लॉक में फोर डिफरेंट पॉइंट्स यूज करेंगे। पहला पॉइंट होता है यूज या जेन, आप यूज भी लिख सकते हो जेन भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक। इसी तरह से दूसरा पॉइंट होगा डेफ और किल, हर एक ब्लॉक में आपको यूज या जेन निकालना होगा, डेफ या किल निकालना होगा, और तीसरा चीज निकालना होगा इन, और चौथा निकालना होगा आउट। अब इस ब्लॉक में जेन और किल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्लॉक को यदि हम एमएथ ब्लॉक कहें, एम ब्लॉक कहें, तो जेन को हम लिख सकते हैं जेन एम, जेन एम, ये हमारा सफिक्स के फॉर्म में लगा सकते हैं, या इसको हम दूसरे ढंग से भी दिखा सकते हैं जेन, और जो ब्लॉक का नाम है उस ब्लॉक को हम इसके अंदर रखते हैं। दोनों में से कोई भी हम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जेन को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह से किल को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो किल एम, एम को सफिक्स बनाएंगे, या ऐसा लिख सकते हैं किल और उस ब्लॉक का जो नाम है वो नाम। इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये nth ब्लॉक है, तो इसको हम जेन एन या किल एन कहेंगे nth ब्लॉक के लिए। pth ब्लॉक है तो इसको जेन पी या किल पी, या आप इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नोटेशन रिप्रेजेंटेशन हुआ जेन और किल का। इसी तरह से हम अपने इन, इस ब्लॉक के इन को दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इन, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इन एम, एम हमारा सफिक्स होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन, और जो ब्लॉक का नाम है उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में रखकर दिखा सकते हैं। इसी तरह से आउट को दिखाना हो तो हम आउट एम, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे दो रिप्रेजेंटेशन है, अदर रिप्रेजेंटेशन भी किसी बुक में हो सकता है। हम जो दो स्ट्रक्चर देखे हैं उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें। तो ये हमारा यूज या जेन लिख सकते हैं, इस जेन एम को हम यूज एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जेन लिखें या यूज लिखें यूज एम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस जेन के बगल में यूज एम, ये भी हमारा नोटेशन हो सकता है जेन के लिए। इसी तरह से किल को हम लिख सकते हैं डेफ भी, और यहाँ पर डेफ एम भी कर सकते हैं। तो ये चार चीजें आपको हर एक ब्लॉक के लिए निकालना होगा। अब किस तरह से हम यूज निकालेंगे, किस तरह से डेफ निकालेंगे, इन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कुछ अपना फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि यूज कैसे निकालना है। तो किसी भी ब्लॉक के अंदर में वैसा वेरिएबल, अ वेरिएबल भी यूज इन बेसिक ब्लॉक एम, एम यहाँ पे कोई भी ब्लॉक का नाम हो सकता है, एंड इज नॉट प्रिसीडेड बाय डेफिनेशन ऑफ बी, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो उस ब्लॉक में हो आर वैल्यू रखता हो एल वैल्यू नहीं रखता हो, जो जो कि ऊपर में बताया तीन स्ट्रक्चर के थ्रू हमने जो बताया कि प्रिसीडेड फॉर्म में जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट में वो डिफाइन नहीं होना चाहिए, यानी राइट मोड में नहीं होना चाहिए। यदि कोई वेरिएबल भी हमारे ब्लॉक एम के अंदर में है, मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर में कहीं पर कोई वेरिएबल भी है, तो ये राइट साइड में हो आर वैल्यू हो, लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि एम लिख दें या एन वेरिएबल लिख दें तो वी हमारा लाइव हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा वेरिएबल है जैसे के है, और के को हम यहाँ पर एम कर दें, तो अब एम राइट साइड में है लेकिन ये लाइव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके पहले हमने एम को राइट मोड में लिख दिया, जिसका कि एल वैल्यू है, या इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो डिफाइन
किए हुए वेरिएबल को जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट में यदि डेफिनेशन है तो हम उस वेरिएबल को लाइव नहीं कहेंगे, लेकिन वी हमारा लाइव होगा। इसका मतलब ये हुआ डेफ किल अ वेरिएबल वी। अब कोई ऐसा बेसिक ब्लॉक है जिस बेसिक ब्लॉक में बहुत सारे वेरिएबल यूज किए गए हैं, ए इक्वल टू बी प्लस सी और डी इक्वल टू एम, तो इसमें सिंगल स्टेटमेंट या मल्टी स्टेटमेंट में हो, जितने भी हो, तो राइट लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है दे आर द किल ऑफ दैट ब्लॉक, उस ब्लॉक का वो किल कहलाएगा। अ वेरिएबल भी यूज्ड इन बेसिक ब्लॉक एम कंटेन्स अ डेफिनेशन ऑफ बी, उसको डिफाइन किया गया हो, यहाँ ए और डी हमारा डिफाइन हो रहा है, इसलिए ए और डी दोनों इस ब्लॉक के किल वेरिएबल होंगे। अब इन वेरिएबल निकालने के लिए कहता है जो यूज में आपका वेरिएबल आया है, यूज में उस ब्लॉक हम जब इस चार की बात करेंगे तो हम ईच ब्लॉक की बात कर रहे हैं। मान लो हम एम ब्लॉक की बात करें तो एम ब्लॉक का यूज क्या है, एम ब्लॉक का किल क्या है, या एम ब्लॉक का डेफ क्या है, एम ब्लॉक का जेन क्या है, वो हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से एम ब्लॉक का इन क्या होगा, तो एम ब्लॉक के इन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो यूज एम में वेरिएबल है वो रखेंगे, और आउट एम और डेफ एम यानी इसका वेरिएबल को घटा देंगे आउट एम में। ये जो आउट एम उस एम ब्लॉक का जो आउट है उसमें से डेफ एम उस ब्लॉक के डेफ के वेरिएबल को यदि माइनस कर दें तो जो भी वेरिएबल बचेंगे वो और यूज एम इन दोनों का यूनियन जो होगा दैट इज द इन एम, उस एम ब्लॉक का इन कहलाएगा। अब आउट एम और डेफ एम कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कि हमारे पास आउट एम में, इसको हम ऐसे डिफाइन करें आउट एम माइनस डेफ एम, ये हमारा निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए कहता है कि सपोज कीजिए कि आउट एम के अंदर में हमारा ए है, बी है, सी है, और डेफ के अंदर में जो हमारा वेरिएबल है वो बी है और डी है। तो इसका आउट एम माइनस डेफ एम क्या होगा, तो आउट एम माइनस डेफ एम कहता है आउट के वो वेरिएबल जो डेफ में नहीं है, तो आउट के वो वेरिएबल जो डेफ में नहीं है, तो आउट के कौन कौन से वेरिएबल डेफ में नहीं है, ए हमारा नहीं है, सी हमारा नहीं है, तो इस पूरे का रिजल्ट हो जाएगा ए कॉमा सी। ये हमारा इस आउट एम माइनस डेफ एम का रिजल्ट हुआ इस एग्जांपल के थ्रू। अब यदि यूज एम दिया हुआ है, हमारे पास यूज एम दिया हुआ है, यूज एम इसका यूनियन करना है। यदि यूज एम में हमारे पास ए और ई है तो वैसे केस में इन दोनों का यूनियन यदि हम बना दें, इसका यूनियन निकालें यहाँ पर ए और ई का, तो आप जान रहे हो कि इसका यूनियन क्या होगा, इस दोनों का यूनियन में ए चूंकि कॉमन है तो वन टाइम लिखेंगे, ई हमारा यहाँ पर है नहीं लेकिन इस जगह पे है इसलिए ई भी आएगा और सी भी आएगा, तो ए सी ई इसका रिजल्ट हो गया। तो ये तीन वेरिएबल हमारा उस एम ब्लॉक का इस एग्जांपल के थ्रू क्या कहलाएंगे, इन वेरिएबल कहलाएंगे, इन ऑफ एम वेरिएबल इक्वल टू ए सी ई, ये हमारे तीन स्टेटमेंट हो गए, ये हमारा इन एम का मीनिंग हो गया। अब आउट एम कैसे निकालेंगे, तो आउट एम कहता है कि जितने भी हमारे सक्सेसर हैं, जैसे सक्सेसर कहने का मतलब इस ब्लॉक के बाद हमारा कोई वेरिएबल हो, कोई ब्लॉक होगा, मान लीजिए कि ये ब्लॉक एक है और ये ब्लॉक दूसरा ब्लॉक है, तो इस पहले ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक का जो इन है
यहाँ पर जो इन आएगा, जैसे अभी हम यहाँ पे इन निकाल रहे थे, तो इन निकालने का जो तरीका है, ये तरीका अभी इन निकाल करके दिखा, ये वेरिएबल, ये इस ब्लॉक का इन और इस ब्लॉक का इन, इन सबों का यूनियन कर देंगे। इसमें तीन ब्लॉक भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, जितने इसके सक्सेसर हैं, सारे सक्सेसर के यूनियन का जो रिजल्ट होगा, दैट इज द आउट ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये चार डेफिनेशंस हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें सारा चीज सिंपल है, केवल एक यूज में ध्यान रखना है कि जस्ट उस स्टेटमेंट के प्रीवियस स्टेटमेंट में वो वेरिएबल डिफाइन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप आसानी से यूज निकाल सकते हो। यदि ये डेफिनेशन पता है, डेफ निकाल सकते हो, डेफ निकालना तो और भी इजी है। लेफ्ट साइड उस ब्लॉक के अंदर लेफ्ट में जितने भी वेरिएबल है, दे आर द किल और डेफ ऑफ दैट ब्लॉक। इन कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट यहाँ पर ये पूरा एग्जाम्पल लेकर के आपको हमने समझाया कि इन कैसे निकालना है। सबसे पहले हम आउट निकाल लेंगे, उस फिर डेफ निकाल लेंगे, आउट में से डेफ को घटा देंगे, जो भी हमारे पास बचेगा वो, और जो यूज में हमारा निकला हुआ वेरिएबल है, इन दोनों को यूनियन कर देंगे, उस ब्लॉक का हमारा इन निकल जाएगा। आउट निकालना वो भी बहुत आसान है, यदि हम इसका इसका और इसका तीनों का इन निकाल चुके हैं, तो तीनों के इन को कंबाइन कर दीजिए, यानी यूनियन ले लीजिए, तो इस ब्लॉक का, इसके पैरेंट ब्लॉक का इन आउट निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है, और यही चीज हम यहाँ पर समझाने के लिए हर एक ब्लॉक में लिख रखे हैं। जैसा कि ऊपर में देख रहे हैं कि कैसे निकालना है हमको, हर एक ब्लॉक का जेन और किल जो यहाँ डेफिनेशन बताए हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फिर ईच ब्लॉक का इन निकालना है, तो इन निकालने के लिए हम इस वाली फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और आउट निकालना है तो आउट निकालने के लिए हम उसके सक्सेसर के इन का यूनियन लेंगे। तो इस ब्लॉक के दो सक्सेसर हैं, तो इस दोनों सक्सेसर के इन जो होंगे, इन एन और इन पी, ये एनएच ब्लॉक है, ये पीएच ब्लॉक है, इन एन और इन पी का यूनियन कर दें, तो इस ब्लॉक, ये हमारा एमएच ब्लॉक है, एमएच ब्लॉक का आउट निकल जाएगा, आउट निकल गया, किल इससे निकल जाएगा। अब आउट में से किल को घटा दीजिए तो हमारा इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और जेन के साथ इसको यूनियन कर दीजिए तो इन निकल जाएगा। यही प्रोसेस इसके साथ भी होगा, इसका इन निकालने के लिए इसके जो सक्सेसर्स होंगे उस सक्सेसर के इनका सम निकालना होगा। तो ये हमारे ब्लॉक बनाने का कारण था कि आप इस तरह से समझ पाए कि हर ब्लॉक का हमको यूज, डेफ, इन और आउट निकालना है, ये चार चीज़ें हर एक की निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं, ये डिफाइन करना तो आसान था, डिफाइन कर दिया हमने, मगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। इसके पार्ट टू में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले प्रोग्राम का हम थ्री एड्रेस कोड लिखते हैं, थ्री एड्रेस कोड से हम बेसिक ब्लॉक बनाते हैं, बेसिक ब्लॉक बनने के बाद हम ईच ब्लॉक का क्या निकालेंगे, यूज निकालेंगे, डेफ निकालेंगे, उसका इन निकालेंगे और आउट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये मेरे फोर ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक में मल्टी स्टेटमेंट्स है, k = l + mp = k + l t = p × v। तो ये मेरे बेसिक मल्टी स्टेटमेंट्स है इस ब्लॉक B1 का। ब्लॉक B2 का सिंगल स्टेटमेंट है, B3 का भी हमारा सिंगल स्टेटमेंट है, और B4 का भी हमारा सिंगल स्टेटमेंट है। कहीं पर भी आपका मल्टी स्टेटमेंट हो सकता है, कहीं पर भी आपका सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है। तो सिंगल स्टेट में यूज को निकालना बहुत ही आसान है, मल्टी स्टेटमेंट हो तब प्रॉब्लम होता है। अब आप यूज निकाल रहे हैं, तो अभी जस्ट यूज का या जेन का डेफिनेशन क्या बताए थे कि उस ब्लॉक में राइट साइड में हो, तो एल और एम इस ब्लॉक के, इस स्टेटमेंट के जस्ट ऊपर में
कहीं डिफाइन नहीं हुआ है, इसलिए एल और एम यूज में आएगा। इसी तरह से पी में के प्लस एल है, लेकिन के जस्ट इसके पहले डिफाइन हुआ है, तो के हमारा यूज में नहीं आएगा, एल हमारा यूज में आएगा। इसी तरह से टी इक्वल टू पी इंटू वी में पी जस्ट इसके पहले डिफाइन हुआ है, तो पी हमारा यूज में नहीं आएगा, वी में आएगा। तो इस ब्लॉक का यूज क्या हो गया, एल एम और वी, एल एम और वी, एल टू टाइम्स आ रहे हैं तो वन टाइम रखेंगे, एल एम और वी। इसी को आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने निकाला है यूज बी जेन बी, राइट हैंड साइड वेरिएबल बट नॉट इन जस्ट प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड, वैसे वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में है लेकिन जस्ट उसके प्रीवियस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में ना हो, तो ऐसा वेरिएबल इस फर्स्ट ब्लॉक में हमारा तीन मिला, एल एम और बी, वही चीज लिखा हुआ है एम एल बी। इस पी बी वन ब्लॉक का हमारा यूज निकल गया। इसी तरह से आप ब्लॉक बी टू का निकालिए, सिंगल स्टेटमेंट में यूज निकालना बहुत ही आसान है, सिंगल स्टेटमेंट वाले ब्लॉक में राइट साइड में जितने वेरिएबल हैं दे आर द यूज, तो इसमें आपका एम और टी हमारा यूज हो गया, इसमें पी और टी हमारा यूज में आ गया, और इसमें वी और एम हमारा यूज में आ गया। तो इस तरह से आप देखिए यूज या जेन, आप यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या लिखा है, बी कॉमन ले लिया है, बी वन का निकाल रहे हैं तो यूज ब्लॉक नंबर वन कहलाएगा, तो ब्लॉक वन नंबर वन को यहाँ वन से दिखा रहे हैं, ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री सॉरी ब्लॉक फोर, तो ब्लॉक वन के हमने यूज निकाल दिए। बी टू का यूज बहुत आसान है, एम और टी होगा, इसका भी पी और टी होगा, ब्लॉक थ्री का ब्लॉक फोर का बी और एम होगा, वो हमने लिख दिया। अब निकालना हमको डेफ, तो डेफ निकालने का तरीका आपको हम क्या बताए थे, डेफ निकालने के लिए कहे थे कि हर एक ब्लॉक के अंदर में लेफ्ट साइड यानी एल वैल्यू जो भी है उसको आप लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में जितने भी वेरिएबल हैं। तो ब्लॉक वन में लेफ्ट साइड में कौन कौन वेरिएबल है, के पी टी, तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लॉक वन के लिए डेफ बी यानी कि ब्लॉक बी वन, डेफ बी वन और किल बी वन के लिए हमारा के पी टी हो गया। बी टू में हमारा सिंगल वेरिएबल बी है, बी थ्री में सिंगल वेरिएबल एल है, और बी फोर में सिंगल वेरिएबल एल है। तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से हमने ईच ब्लॉक का यूज और डेफ निकाल लिया, लेकिन इतनी आसानी से निकालने के पहले आपको ये बेसिक ब्लॉक बनाना होगा जो पार्ट टू में हमने डिफाइन किया है और समझाया है, वो पार्ट टू देख लीजिएगा इन केस कहीं प्रॉब्लम हुआ तो। अब हमको यहाँ पर इन निकालना है, तो इनका डेफिनेशन आप देखिए, इनका डेफिनेशन क्या लिखा था हमने, इनका डेफिनेशन लिखा था हमने कि किसी भी ब्लॉक के इन को निकालना है, मान लीजिए ब्लॉक बी है हमारा, बी वन भी हो सकता है, मान लीजिए बी वन ही हम निकाल रहे हैं, इस ब्लॉक का हम इन निकाल रहे हैं, तो हमको निकालना होगा यूज ऑफ बी वन, यूज ऑफ बी वन, यूज ऑफ बी वन, और इसको इसको यूनियन करना होगा हमको आउट ऑफ बी वन से, आउट ऑफ B1 से माइनस डेफ ऑफ B1 से, डेफ ऑफ B1 से, यही हमारा ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ था। तो अब इस चीज को कैसे निकाले, यहीं पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, हमें नहीं मतलब आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसमें हमको आउट निकालना है, आउट निकालने के लिए हमको इन चाहिए, क्योंकि आउट का रूल क्या बताए थे, आउट बी वन, आउट बी वन ब्लॉक का नाम दे रहे हैं, आउट बी वन इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ऑल इन इन सक्सेसर, बी वन के जितने भी सक्सेसर्स हैं उस सक्सेसर्स का यूनियन निकालना है, उस सक्सेसर्स का यूनियन निकालना है। तो आउट निकालने के लिए पहले हमको इन चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम हर एक ब्लॉक का इन निकाल लेते हैं विदाउट यूजिंग दिस,
बिना इसके हम इन निकाल लेते हैं। तो बिना इसके यदि हम इन निकालते हैं तो हमको निकालना क्या होगा, इस ब्लॉक के बी वन को निकालने के लिए हमको यूज बी वन करना होगा। तो अब आप देख लो यहाँ पे हम कितनी आसानी से ये काम करने जा रहे हैं। हम इसको दो राउंड में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड में हम ये मान करके चलेंगे कि हमको ये कैलकुलेट ही नहीं करना है, हमको इन में ये कैलकुलेट ही नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इन निकालना आसान हो गया, इन बी वन इक्वल टू यूज बी वन। तो चलिए अब इन बी वन निकालते हैं, यही फर्स्ट राउंड है। इन बी या यूज बी भी कह सकते हो, तो यूज कर रहे हैं इन बी में। तो यूज बी, यूज यही है हमारा, यहाँ एम एल बी, एम एल बी लिख दिए, एम टी, एम टी लिख दिए, पी टी, पी टी लिख दिए, बी एम, बी एम लिख दिए। तो देखिए कितनी आसानी से हम इन बी निकाल लिए इसमें से इस फॉर्मूले को माइनस करके। हम पहले ये निकाल लिए, अब चलते हैं आउट निकालने के लिए। तो आउट कैसे निकालेंगे, तो आउट निकालने के लिए कहता है कि हर एक ब्लॉक के सक्सेसर, हर एक ब्लॉक के सक्सेसर का इन। तो अब इस में आप देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस जगह भी हम लिख रखे हैं, ये हमारा ब्लॉक बी वन है, बी वन का हम आउट निकालना चाह रहे हैं। तो बी वन के आउट निकालने के लिए हमको बी टू और बी थ्री का इन निकालना होगा। तो बी टू और बी थ्री, बी टू और बी थ्री का इन, बी टू और बी थ्री का इन, देखिए कौन सा है, बी टू का ये इन है और बी थ्री का ये इन है। इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन यदि कर दें तो एम टी पी टी, यानी एम पी टी, एम पी टी कहो, एम टी पी कहो, जो भी कहो, तो एम टी पी ये हमारा निकल गया। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि इन ऑफ ब्लॉक बी वन ऑफ टू एंड थ्री, टू और थ्री के इन का यूनियन हमारा इसका आउट होगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, इन बी ऑफ टू एंड थ्री, ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री के इन का यूनियन। तो एम टी और पी टी का यूनियन कर दिए, एम टी पी निकल गया। इसका यदि हम निकालना चाहें तो इसका सक्सेसर कौन है, ब्लॉक फोर है। तो ब्लॉक फोर का इन, ब्लॉक फोर का इन हमारा कौन सा दिया हुआ है, ब्लॉक फोर का इन बी एम है। इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं, ये हमारा बी एम है। तो ये वी एम किसका हो गया, ब्लॉक टू का। देखिए ब्लॉक टू का हमने बी टू लिख दिया, और जो काम किए हैं कि ब्लॉक फोर का इन ले रहे हैं, इन बी ऑफ ब्लॉक फोर, ये फोर लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये हमने बी एम को यहाँ पे डाल दिया। अब बी थ्री का इन निकालना है, तो सॉरी आउट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सक्सेसर, इसका सक्सेसर कौन है, बी फोर। तो इसमें भी हम बी ब्लॉक फोर के इन को यूज़ कर देंगे। तो इसका इन को यूज़ किए तो ये हमारा भी वी एम हो गया। इस तरह से आपका इस दोनों का सेम वैल्यू मिल गया, क्योंकि दोनों का सक्सेसर सेम है, इसलिए इसी का इन दोनों में हमने डाल दिया। अब फोर्थ ब्लॉक की जब बात करते हैं, तो फोर्थ ब्लॉक का एग्जिट कौन है, ब्लॉक वन है। तो ब्लॉक वन का इन, ब्लॉक वन का इन कौन सा है, एम एल बी। वो एम एल बी इसको हम तीसरे कलर से दिखाते हैं, मान लीजिए इसको हम ब्लू से दिखाते हैं, ये एम एल बी हमारा इसका आउट मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आउट भी कैसे निकालेंगे वो हमने बताया, इसीलिए यहाँ पे एरो दिए हैं कि इसी इन से हम इसका आउट निकाल लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड का इन भी और आउट भी हो गया। अब हम हमारे पास आउट भी अवेलेबल है, इन भी अवेलेबल है। तो आउट और इन जब आपके पास अवेलेबल है, तो अब आप ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, आउट बी वन माइनस डेफ बी वन। तो आउट बी वन माइनस डेफ बी वन, ब्लॉक वन के आउट में से इनको या डेफ को हम घटा देंगे। तो ब्लॉक ब्लॉक वन के आउट, ब्लॉक वन के आउट यानी एम टी पी, और इसका डेफ, डेफ आपका के पी टी। तो एम टी पी, एम टी पी
और इसको घटाना है किसमें से, केपीटी, केपीटी को घटा लेना है। तो केपीटी को घटाएं तो क्या बताया था आपको, आपको अभी जस्ट इसके ऊपर बताए थे, इसके वो वेरिएबल जो इसमें नहीं है, तो m इसमें है नहीं है, m लिख लिए, t इसमें है हटा देंगे, p इसमें है नहीं है, तो m और p ये दो हो गए, बाकी इधर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। इस सेट का वो वेरिएबल जो इसमें नहीं है, तो m और p इसमें नहीं है, mp हो गया। अब देखिए इस m और p में कौन सा हमारा वैल्यू आएगा, इसको आउट भी निकालेंगे, तो दोनों में हमारा एम टी पी, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या हमारा, हाँ सॉरी ये के पी टी है ना, तो पी भी हमारा नहीं आएगा, केवल एम, तो ये हमारा केवल एम आया, और ये देखिए आउट माइनस बी के, आउट माइनस डेप का एम हो गया। अब इसी तरह से हम रेड कलर लेते हैं और दूसरे वाले का निकालते हैं, आउट में से यानी वी एम में से वी को घटाना है, तो वी एम में से वी को घटाएंगे तो इसका वो वेरिएबल जो इसमें नहीं है, तो इसका वो वेरिएबल सिर्फ एम है, वी एम और इधर आपको घटाना है वी को, तो इस सेट का एम, तो इस सेट का सिर्फ एम बचा, देखिए यहाँ पर एम मिल गया। एक अब तीसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे ब्लू लेते हैं और ब्लू से इसको दिखाते हैं, इसका हमारा वी एम और इसमें से एल, तो वी एम और एल यहाँ पे दिखा देते हैं, वी एम माइनस एल, तो इसके वो वेरिएबल जो इसमें नहीं है, तो इसके दोनों वेरिएबल इसमें नहीं है, तो दोनों ही हमारे इसके वैल्यू हो जाएंगे, तो देखिए इसका दोनों वैल्यू हमने लिख लिया। अब तीसरा कलर हम क्या ले, एलो लेते हैं, तो मान लीजिए कि अब इसका निकालते हैं, तो इसके आउट यानी एम एल वी, एम एल वी में से एल, तो इसको इधर दिखा देते हैं, एम एल वी माइनस एम एल वी माइनस हमको एल निकालना है, तो एल जो इंटरसेक्शन में उसको तो हटा दीजिए, तो बचा हमारे पास एम और बी, इस तरह से एम और बी निकल गया, तो देखिए यहाँ पे हमने एम भी लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में इन बी को हम कैसे निकालें, आउट बी निकालने के लिए हमने टेक्निक अप्लाई किया, टेक्निक क्या अप्लाई किया, इसको ही हम रिमूव कर दिए फॉर्मूला से, तो सिर्फ यूज बच गया, यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो इन निकाल लिए हम, और इस इन के हेल्प से हम फिर ये जो फॉर्मूला है आउट का, उस आउट को कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास आउट निकल गया, तो आउट बी माइनस डेफ हमारे पास हो गया, अब आउट माइनस डेफ का वैल्यू निकाल लिया, अब हमारे पास ये वैल्यू भी अवेलेबल है और ये वैल्यू भी है, तो सेकेंड राउंड में हम फिर से इन और आउट निकालेंगे, सेकेंड राउंड में फिर से हम इन और आउट निकालेंगे। इन निकालने का तरीका अब कंप्लीट फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यूज ब्लॉक बी वन का यूज भी अवेलेबल है, ब्लॉक बी वन का आउट माइनस डेप भी अवेलेबल है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसको जरा सा हम क्लीन कर दें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसको फिर से रिवाइंड करके आप चेक कीजिए, उसको समझिए, और फर्स्ट टाइम आप सेम प्रॉब्लम को लेकर के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आई थिंक कि तुरंत बन जाएगा, एक दो प्रैक्टिस के बाद आपसे बन जाएगा, और यदि एक दो से बन जाता है तो आप कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए, जैसा कि ऊपर में हम बता चुके हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों को मिला करके आप इससे आसानी से लाइव वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में क्या करते हैं, इन और आउट निकालेंगे। अब इन में हम कंप्लीट फॉर्मूला लेंगे, देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट फॉर्मूला ले रहे हैं, यूज बी यूनियन आउट बी माइनस डेप बी, इसमें हम सिर्फ यूज लिए थे, तो अब इसका यदि फॉर्मूला हम निकालें तो कैसे होगा, आउट बी माइनस ये हमारा वैल्यू है आउट बी माइनस डेफ का, और यूज का वैल्यू हमारा यहाँ पर है एम एल बी और एम, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करेंगे एम एल बी होगा, एम आई क्लियर, देन
दूसरे ब्लॉक का हमको इन निकालना है, तो दूसरे ब्लॉक का हमें निकालना होगा यूज। दूसरे ब्लॉक का यूज कहाँ पे है? दूसरे ब्लॉक का यूज हमारा ये एम्प्टी है, और इसका आउट माइनस भी क्या है? एम है। इन दोनों का यूनियन निकाल दें तो एम कॉमन हो गया, एम्प्टी होगा। फिर अब तीसरे ब्लॉक का यदि निकालें तो तीसरे ब्लॉक का यूज हमारा पीटी है और आउट माइनस भी वीएम है, तो पीटी और वीएम को कंबाइन कर दे यानी यूनियन ले ले तो एम भी पीटी निकल जाएगा। अगेन अब आपको निकालना पड़ेगा फोर्थ ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक का वीएम है और यहाँ आउट भी माइनस डेप भी है, इन दोनों का यूनियन। एम कॉमन है वन टाइम लिखेंगे, वी भी कॉमन है तो हमारा एम भी हो गया, यानी इन भी निकल चुका। अब जब इन भी आपके पास अवेलेबल हो गए तो इस इन के हेल्प से हम सेकेंड आइटरेशन, सेकेंड राउंड का क्या निकाल सकते हैं? उसका आउट निकाल सकते हैं। आउट क्या होता है? सक्सेसर। तो इस ब्लॉक वन का सक्सेसर बी टू और बी थ्री है, बी टू और बी थ्री का इन, बी टू और बी थ्री का इन हमारा ये दो वैल्यू है एम टी एम बी पी टी। इसको यदि हम निकालें तो आउट भी सक्सेसर क्या निकल जाएगा? इन भी, सॉरी हमें ब्लॉक टू और थ्री का इन निकालना है, ब्लॉक टू और थ्री का इन, ब्लॉक टू और थ्री का इन, यही तो है एम टी एम बी पी टी। तो इसमें दोनों का यूनियन कीजिए तो M कॉमन हो गया, T कॉमन हो गया, एम भी पी टी, ये हमारा वैल्यू हो गया। इस ब्लॉक वन का हमें निकालना है तो टू और थ्री का कंबाइंड, सही बता रहे थे हाँ, इन दोनों का यूनियन निकालिए, तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे हमारा ये वैल्यू मिल गया। इस तरह से ब्लॉक वन का हमारा सक्सेसर से इसका आउट भी निकल गया। अब दूसरे ब्लॉक का सक्सेसर देखें तो ब्लॉक फोर है, तो ब्लॉक फोर का इन, ब्लॉक फोर का इन हमारा एम बी है, ये एम बी हमारा यहाँ पे चला आया, ये एम बी हो गया। देन ब्लॉक थ्री का हम सक्सेसर देखें तो ब्लॉक फोर है, ब्लॉक थ्री में भी यही वैल्यू आपके ब्लॉक थ्री में भी चला आया एम बी, ये एम बी। प्लस फोर्थ का यदि हम सक्सेसर देखें तो ब्लॉक वन है, तो ब्लॉक वन का इन, ब्लॉक वन का इन हमारा एम एल भी है और यही एम एल भी हम यहाँ पे निकाल लिए। तो इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड का आइट्रेशन निकल गया। अब यदि आप थर्ड राउंड का आइट्रेशन इस सेकेंड राउंड के हेल्प से निकालेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा इस सेट ऑफ बेसिक ब्लॉक के लिए। तो थर्ड आइट्रेशन फोर्थ आइट्रेशन करते रहिए, लेकिन रिजल्ट आपका ये सेकेंड आइट्रेशन का ही आएगा। तो हमें आगे आइट्रेशन या आगे किसी राउंड पर इन और बी नहीं निकालना है। तो उस ब्लॉक वन के इन पर कौन कौन से वेरिएबल लाइव हैं? एम और बी, एम एल और बी। आउट पॉइंट पर कौन कौन से वेरिएबल लाइव होंगे? एम बी पी टी। आउट यानी इस पॉइंट पर, ऊपर में ही आपको बताया था कि लाइव वेरिएबल किसी प्रोग्राम के किसी पॉइंट पर निकालते हैं या किसी ब्लॉक के निकालते हैं। तो इस ब्लॉक के इन पर कौन कौन वेरिएबल लाइव है? एम एल बी। आउट पर, आउट होने के बाद कौन कौन वेरिएबल लाइव है? एम बी पी टी। दूसरे ब्लॉक के इन पर एम टी और इसके आउट पर एम बी वेरिएबल लाइव है। यहाँ पर तीसरे ब्लॉक के इन पर एम बी पी टी और आउट पर, आउट पर एम बी है और ब्लॉक फोर का ये हमारा एम बी इन पर है और एम एल बी आउट पर है। अब इसमें जो क्वेश्चंस, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतनी आसानी से आपको इन और आउट वेरिएबल का वैल्यू नहीं बताएगा। वो जैसा क्वेश्चन करता है, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे कि इसमें कह सकता है कि बताइए ब्लॉक टू और थ्री, ब्लॉक टू और थ्री, ब्लॉक टू और थ्री पर इन में कौन कौन वेरिएबल लाइव है? ब्लॉक टू और थ्री में इन पर कौन कौन वेरिएबल लाइव है? तो टू और थ्री पर
इन में कौन कौन वेरिएबल लाइव है, तो इन में जो ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनको यूनियन, इसका यूनियन निकालिए, सॉरी इंटरसेक्शन निकालिए एम और टी। ये मेरा टू का वैल्यू हो गया, और फिर दूसरा वैल्यू हो गया एम बी पी टी, एम बी पी टी। चूंकि दोनों का पूछ रहा है ना, तो दोनों का पूछ रहा है तो इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा। यहाँ सेट का आप सिंबल डालिएगा, हम जल्दीबाजी में ये लिख सेट का लिख, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन एम टी, तो एम और टी चूंकि दोनों का इंटरसेक्शन है तो एम और टी हमारा ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है इसलिए टू और थ्री में लाइव वेरिएबल कौन हो जाएंगे, एम और टी। लेकिन इंडिविजुअली यदि टू की बात करें तो इसका इन पर एम टी होगा और थ्री पर इसका एम बी पी टी होगा। तो जब आप नेट और गेट का प्रिपरेशन करेंगे उस वक्त ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।